Auzubillahiminashaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum students hopefully all of you will be fine ninth class this is your computer science lecture and today we will discuss unit number 3 which is computer network so what is computer network a computer network is a group of computer and other hardware devices linked together through a communication channel कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये एक ऐसा ग्रुप है कंप्यूटर्स का या हार्डवेयर डिवाइसेस का जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाई कम्युनिकेशन चैनल किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जैसे कि नीचे फिगर में आप देख सकते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो कंप्यूटर ही नहीं कोई और डिवाइस भी हो सकती हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं फाइल को शेयर करने के लिए डाटा को शेयर करने के लिए बाई यूजिंग देयर वायर वायरड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन ठीक है कनेक्शन दोनों तरह से हो सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल क्या है जिसका नाम मैंने अभी लिया द पाथ थ्रू विच डाटा और इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस इन द नेटवर्क ठीक है एक नेटवर्क के अंदर जो हमारी फाइल शेयर होती है वो किसी न किसी पाथ के थ्रू किसी रास्ते के थ्रू या किसी वे के थ्रू शेयर किया जाता है हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन तो वो जो पाथ है उसे क्या बोलेंगे कम्युनिकेशन चैनल लाइक हमने विज़िट करना होता है या ट्रैवल करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तो हम किसी ट्रांसपोर्ट का के ज़रिए से किसी वहीकल के थ्रू मूव करते हैं इसी तरह हमारा डाटा या फाइल ट्रांसफ़र होती है दो कनेक्शन के थ्रू एक है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस कनेक्शन वायर्ड जहाँ पे केबल का यूज़ होगा कंप्यूटर्स की शेयरिंग के दौरान वो वायर्ड कनेक्शन होगा और जहाँ पे वायरलेस कनेक्शन होगा हवा में हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हाँ जी कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों यूज़ किया जाता है हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए नंबर टू फाइल या ईमेल्स को सेंड रिसीव करने के लिए नंबर थ्री प्ले ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए वॉच ऑनलाइन वीडियोज़ या वीडियोज़ जो आप यूट्यूब पर देखते हो वो भी हम नेटवर्क के थ्रू ही देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती है कंप्यूटर नेटवर्क की लाइक इंटरनेट पर हम देखते हैं इंटरनेट पे बहुत से कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज़ किया जाता है इसका यूजेस इसके रीजनस क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे नंबर वन है फाइल शेयरिंग अगर आपने अपने कंप्यूटर की कोई फ़ाइल किसी दूसरे के साथ शेयर करनी है तो कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करेंगे इसी तरह हार्डवेयर शेयरिंग अगर आपने अपने हार्डवेयर लाइक like, दो कंप्यूटर्स हैं प्रिंटर एक है तो हम क्या करेंगे उन उस प्रिंटर को दोनों कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और दोनों कंप्यूटर इस एक ही वक्त में प्रिंटर से प्रिंटिंग करवा सकते हैं तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने एक हार्डवेयर डिवाइस को शेयर किया है बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है इसके अलावा जो इसका यूज़ है दैट इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग हम एप्लीकेशन शेयरिंग कर सकते हैं कोई भी ऐप आप आपने कोई भी फाइल शेयर करनी है किसी भी दूसरे पर्सन के साथ अपने कलीग के साथ आप कर सकते हो यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इसी तरह यूज़र कम्युनिकेशन आप वीडियो चैट ऑडियो चैट या फिर आप मैसेजिंग पे कम्युनिकेट करते हो इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज भी इंक्रीज करता है लाइक आप गूगल ड्राइव की बात कर लें अगर आपके मोबाइल में स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो गूगल ड्राइव हमें अलाउ करता है कि आप हमारे पास डेटा स्टोर करवा दें दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क नेक्स्ट फ़ाइल शेयरिंग को डिटेल में देखते हैं फाइल शेयरिंग क्या है अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फ़ाइल शेयर करनी है देन हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं यू कैन गेट द डेट शीट विदाउट विजिटिंग द बाइस ऑफिस हमें अब अगर अपनी डेट शीट लेनी है तो हमारे पास डेटा स्टोर करवा दें दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्क नेक्स्ट फाइल शेयरिंग को डिटेल में देखते हैं फाइल शेयरिंग क्या है अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल शेयर करनी है देन हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं यू कैन गेट द डेट शीट विदाउट विजिटिंग द बाइस ऑफिस हमें अब अगर अपनी डेट शीट लेनी है तो हम घर बैठे बैठाए ऑनलाइन जाके नेटवर्क या इंटरनेट का यूज़ करके अपनी डेट शीट को एक्सेस कर सकते हैं इसी तरह अपना एडमिशन फॉर्म को ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं या फ़ाइल्स को ईजिली शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर शेयरिंग आता है हार्डवेयर शेयरिंग यानी कि हम अपनी डिवाइसेस को भी आपस में शेयर कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं लाइक like, एक कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइल दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर दी जाती है या फिर जब डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क बना के इंटरकनेक्टेड होती हैं किसी भी चैनल के थ्रू तो हम आपस में कोई भी फाइल चाहे वो हार्डवेयर फाइल है चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर फाइल है उनको आपस में शेयर कर सकते हैं अपने सी रोम हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज कैपेसिटी तक को शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन शेयरिंग एप्लीकेशन शेयरिंग में क्या होता है हम इंटरनेट से लाइक like, uh, किसी भी एप्लीकेशन ब्राउज़र को हमने uh, परचे सेलिंग परचेजिंग के थ्रू हमने उनको कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए उनकी एप्लीकेशन हमने परचेज़ करने के बाद उसको इंटरनेट के थ्रू ही हमने इंस्टॉल किया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया दैट इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग इंटरनेट के थ्रू हमने शेयरिंग की यूज़र कम्युनिकेशन क्या है यूज़र कम्युनिकेशन आप इंटरनेट को यूज़ करके या किसी भी नेटवर्क को यूज़ करके जब कम्युनिकेशन करते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज़ कॉल्ड यूज़र कम्युनिकेशन नेक्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी आती है गूगल ड्राइव को देख लें अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर कैपेसिटी कम है तो हम गूगल ड्राइव पर या फिर क्लाउड पर अपना डाटा इन नेटवर्कली स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये किस तरह से है आर्किटेक्चर जिसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो हमें सर्विसेज दे रहा होता है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क के अंदर दीज ऑल आर कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर्स ठीक है अब सर्वर कंप्यूटर क्या है सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज एंड अ क्लाइंट गेट्स दीज सर्विसेज जो सर्वर कंप्यूटर है वो सर्विसेज देता है जबकि क्लाइंट जो है सर्विसेज लेता है जैसे इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे आप एज़ अ क्लाइंट होते हो और वहाँ पे जो वेटर है वो एज अ सर्वर है क्योंकि वो तमाम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है इज़ मोस्टली लेस पावरफुल डिवाइस ये लेस पावरफुल होता है सर्वर इज अ फिज़िकली कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज एंड इज़ मोर पावरफुल देन क्लाइंट जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट की नस्बत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये फिज़िकली तमाम सर्विसेज जो है वो डेडिकेट करता है क्लाइंट कंप्यूटर को कि उन्होंने क्या काम करना है और किस तरह से करना है सर्वर उन्हें जस्ट इंस्ट्रक्शन देता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को एग्जांपल के थ्रू अगर डिस्कस करें तो इसके एग्जांपल क्या बनती है लाइक जब आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहते हो ओवर द इंटरनेट ठीक है या फिर किसी भी नेटवर्क के अंदर रहते हुए तो आप क्या करते हो कि आपने कोई फाइल सर्च करनी है तो हम डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं गूगल क्रोम ओपेरा या फिर फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से किसी का भी यूज़ करते हैं एज एन क्लाइंट तो ये क्लाइंट के तौर पे काम करेंगे जबकि जो सर्वर कंप्यूटर है जिसने हम जो भी सर्च करेंगे जिसका सर्वर बैठा हुआ है किसी भी आप ब्राउज़र का अगर हम गूगल क्रॉम करते हैं तो उसका सर्वर बैठा होगा वो हमें सर्विसेज देगा तो सपोज़ हमने जी मेल डॉट कॉम लिख के सर्च किया रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट के थ्रू तो सर्वर कंप्यूटर ने उसका रिस्पांस किया इंटरनेट के थ्रू हमें और जी मेल हमारे सामने ओपन हो गया सो टुडेज़ होमवर्क लर्न टुडेज़ लेसन केयरफुली अल्ला स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू